जी बेटा, ये इलेक्ट्रिक करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास पहली जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट को जब डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसके अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फ्लो चार्ज पर यूनिट टाइम। ये आपके पास बेटा इसकी डेफिनेशन है जो आपने यूज करनी है कैम्ब्रिज में। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके आंसर बताएं। आपके सामने ट्रायंगल भी सामने आई आपके, तो प्लीज इसे सॉल्व करके मुझे जो है इसका आंसर बताइए। जी बेटा, ट्वेंटी 5 बता रहे हैं बेटा। ये तो मिनट्स है ना, इनके सेकंड्स बन गए। प्लीज इसे कन्वर्ट करें। होप आप लोगों को एक फेयर आइडिया हो गया इस इक्वेशन को यूज करने का। तो जब चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, और इस चार्ज के फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट को, अगर मैं यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करूं तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेटा, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ। ये आप फर्स्ट करते हैं, ये ग्राउंड है और ये हमारे पास एक वाटर कैरिंग पाइप है। और इसकी ये हाइट, और यहां से ये हाइट, जिसे दिस इज H1 एंड दिस इज H2। इस वक्त ये वाटर जो इसमें फिल्ड है यहाँ पे, उस पानी के लिए बेटा दोनों एंड्स पे आपके पास क्या है, हाइट बराबर है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि दिस इज एंड 1, दिस इज एंड 2, इस वक्त सिचुएशन 1 और 2 है, तो अगर मैं आपको कहूं बेटा पोटेंशियल एनर्जी 1 की सोचें, तो आप बोलेंगे कि दोनों की हाइट बराबर है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है दोनों की बराबर होगी। एंड्स पे पानी की पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। ठीक है, वो इसलिए बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया था कि ये हमारे पास मिनट्स में है ना, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट किया मिनट्स को। That's why. ठीक है, तो अब बेटा हमारे पास ये वाटर कैरिंग पाइप है और यहाँ से ये हाइट H1 है, ये हाइट H2 है, दोनों एंड्स पे हाइट बराबर है। तो हमारे पास दोनों एंड्स पे हाइट बराबर है,
तो इसका मतलब ये जो पानी है दोनों एंड्स पे, जो वाटर है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप कहेंगे जीरो है, क्योंकि तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करते हैं हम इस पाइप को स्लाइटली इस तरह से एक एंड को स्लाइटली टिल्ट कर लेते हैं। नाउ दिस हाइट इज H3, ये सिचुएशन 3 है। और मैं अब आपको बोलूं कि बेटा अब इसमें आप ये बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी 1 की वो ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी 3 से। ठीक है, इस जगह पे जो पानी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, इस जगह पर जो पानी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है। अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि H1 इज ग्रेटर देन H3। H3 आपके पास ये है, सॉरी H1 ये है और H3 आपके पास ये है, तो इस डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो वाटर है, द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन्स, तो एनर्जी हमेशा इस तरह से फ्लो करती है, तो ये हायर से लोअर रीजन पे एनर्जी फ्लो करके जाएगी, तो वाटर जो है वो फ्लो करके 1, 2, 3 जाएगा। तो इस बात से जो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास ये जहाँ जो एंड है, जिसको 1 जो एंड है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, दैट इज एट हायर पोटेंशियल, ये एक हायर पोटेंशियल पे एंड है, और ये वाला एंड जो था वो लोअर पोटेंशियल पे है, तो वाटर हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करके जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में एक एंड जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, एक एंड लोअर पोटेंशियल पे होता है। जो एंड हायर पोटेंशियल पे होता है, उस हायर पोटेंशियल वाले एंड को आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे, और जो लोअर पोटेंशियल पे है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो इसका मतलब अगर कोई सेल हमारे पास है और उस सेल से अगर हम करंट को सोचें कि करंट का फ्लो कैसे होगा, अगर फर्ज करते हैं ये एक सर्किट है और इस सर्किट में ये मैंने एक लैंप कनेक्ट किया हुआ है, तो इस लैंप के साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, जो बड़ी वाली इसकी लाइन है वो पॉजिटिव है, छोटी वाली नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का दैट इज हायर पोटेंशियल। और जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज लोअर पोटेंशियल। तो हम जो करंट यहाँ पे फॉलो करेंगे दैट करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव से फ्लो करके आएगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये जो करंट हमारे पास फ्लो करके आ रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वी कॉल दैट करंट एज कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ये अगर कहीं पे भी डिफाइन करने के लिए आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कन्वेंशनल करंट जो होता है दैट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल। हमारे पास ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है और नेगेटिव लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से फ्लो करके लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ये जो चार्ज फ्लो करता है ये चार्ज पॉजिटिव होता है, और इस चार्ज के फ्लो से जो करंट बन रहा है उसको कन्वेंशनल करंट कहेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ करंट में मैंने पहले आपको क्या सिखाया? कन्वेंशनल करंट। पहले हमने क्या देखा? कन्वेंशनल करंट को हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया।
अगर किसी के जहन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज वो डिफाइन अभी मुझसे पूछ ले, मुझे मैसेज कर दें। अच्छा, वैसे तो टाइप्स ऑफ करंट, चले लिख देता हूँ। सही है जी, किसी का मैसेज नहीं है, इसका मतलब है कि ऑल क्लियर। चलें जी नेक्स्ट। अब दोबारा से सोचते हैं, ये हमारे पास एक वायर है मेटल की, और इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो मैं इस वक्त सर्कल्स बना रहा हूँ, ये एटम्स हैं बेटा, बहुत सारे एटम्स होंगे ना मेटल के अंदर, आपको पता है टाइनी एटम्स होंगे बहुत सारे। और ये जो सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स यूं समझे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम के अक्रॉस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सर्कल में, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है ना ऑर्बिट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको अभी हम कंसीडर करेंगे। अगर हम इस टर्मिनल को बैटरी से नेगेटिव से कनेक्ट करें और इस टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करें, ठीक है, ये हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया और ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया। अब बेटा अगर अगर आप इसको यूं सोचें कि आपके पास, फर्ज करते हैं ये एक मेटल की प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये एक मेटल की प्लेट है, इस पे नेगेटिव चार्जेस हैं, और बीच में ये एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये प्लेट वन है, ये प्लेट टू है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? ऑब्वियसली ये टूवर्ड्स प्लेट वन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, या अदर वे नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये इसको यूं रिपेल करेगा या पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो ओवरऑल इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, रिजल्टेंट फोर्स, वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट होगी। एग्रीड, सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही बेटा, जब मैंने किसी भी वायर को जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने का मतलब ये है कि उसका वायर का एक एंड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा एंड नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी अगर आप यहाँ पे शो करें तो आपके पास यहाँ पर यूं समझें ये नेगेटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। आपके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको यूं कर रहा हूँ ताकि समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो बेटा ये जो चार्ज यहाँ पे, सिर्फ मैं एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये नेगेटिव एंड रिपेल कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर रहा है, तो ये मूव करता हुआ जा रहा है, तो रास्ते में इसके पास जैसे ये यहाँ से इधर आया, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने इसको रिपेल किया, ये इधर दीवार से यूं टकराएगा, फिर ये यहाँ से रिपेल होगा और फिर ये इस तरह से मूव करता हुआ यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका, ये बेटा एक इमेजिनेटिव पाथ मैंने ड्रॉ किया है, इसको आप अगर सोचें तो ये यहाँ से यूं टकराता हुआ यूं जा रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, दे आर फ्री टू मूव, तो ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है दिस विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो अगर आप देखें तो इस वायर से, इस एग्जाम्पल से मैंने आपको एक बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, और जो आपने हमेशा याद रखना है वो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है सर्किट में वो नेगेटिव टर्मिनल से टू पॉजिटिव टर्मिनल होता तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो अब वापस सर्किट की तरफ चलते हैं, इस सर्किट में तो अगर कन्वेंशनल करंट यानी पॉजिटिव चार्ज यूं फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, यानी अगर मैं इस पॉइंट को मार्क कर दूं एज एक्स और इस पॉइंट को मार्क कर दूं एज वाई, और मैं आपको बोलूं कि आप स्केच करें करंट का, इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है
वो एक्स टू वाई है इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एक्स टू वाई है, और आपका जो तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो जबकि अगर कन्वेंशनल करंट पूछा जाए तो कन्वेंशनल करंट ये फ्लो कर, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड कन्वेंशनल करंट आर अपोजिट, वी विल ऑलवेज फॉलो कन्वेंशनल करंट बट इन एमसीक्यू समटाइम्स एग्जामिनर सेज इन विच वे द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, तो आपने हमेशा कन्वेंशनल करंट से अपोजिट डायरेक्शन का एमसीक्यू का ऑप्शन चूज करना। अभी तक की डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। ओके चलें जी, इट्स गुड। बेटा इसमें ये है आपके पास सर्किट में ऐसे एमसीक्यूज में ऑप्शन, ऐसे एमसीक्यूज बनते हैं। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वेंशनल करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, दिस इज व्हाट द कन्वेंशनल करंट इज जो कि हम फॉलो करेंगे अपने सिलेबस ए लेवल्स में भी, ओ लेवल्स में भी, इंजीनियरिंग में भी यही फॉलो होगा। बट जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कन्वेंशनल करंट से अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। तो इसका मतलब अगर एग्जामिनर आपको करंट कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दे यानी इस आई के बारे में बताए और वो बोले कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा, तो आपने जो भी एमसीक्यूज में वहां पे बने हुए होंगे एंड्स वो आपने चूज करना है। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन यहाँ डिजाइन कर लेता हूँ एक। जी बेटा इसका आंसर क्या बनेगा प्लीज बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सी ऑप्शन सही है। जी बेटा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन सी, ठीक है, तो दैट वुड बी द कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग दैट वे
एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो वुड बी एस टू पी. ठीक है, आई होप इस तरह के सवाल अब सॉल्व हो जाएंगे. देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिस पे काम करने की जरूरत है वो ये है कि ये मैं यहाँ पर कुछ सर्किट्स बना रहा हूँ, ये करंट के ग्राफ्स बना रहा हूँ. बेटा ये सारे ग्राफ्स करंट और टाइम के हैं, ये तीनों ही करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब ये जो ग्राफ्स हैं इसमें अगर आप देखें तो ये जिस सर्कल, जिस पॉइंट को मैं सर्कल कर रहा हूँ, जिस साइकिल को, ये वाला पोर्शन, ये देखें ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव. यहाँ पे करंट नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, तो कंटिन्यूसली करंट पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है. तो इसका मतलब ये है कि हम यहां से ये सीख सकते हैं कि ओवर हेयर द करंट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन या रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन. ऐसे ही आप यहां सोचें, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव. तो करंट अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो करंट यहाँ पे बनेगा, दैट करंट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट. तो अब ऑल्टरनेटिंग करंट बेटा कोई फर्क नहीं है, सिंपल ये बात याद रखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो करंट है वो अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता है. डायरेक्शंस मैटर करती है बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव. तो ये जो डायरेक्शन का चेंज होना है, इससे जो करंट बनता है इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसके साथ पैरेलल यहां पर एक साइकिल, एक एक ग्राफ और बनाए, जी बेटा इन दोनों ग्राफ्स को देखें, या एक मिनट, एक ग्राफ और भी आइडिया आ रहा है, और भी बना लेते हैं. तो यहां पर अगर देखें तो दिस इज प्लस, फॉर सपोज प्लस आई कोई भी करंट है, सपोज दैट ये करंट है 2 एम्पेयर. तो बेटा फॉर द होल टाइम द करंट इज पॉजिटिव, ये करंट पॉजिटिव है फॉर द होल टाइम, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही. इस करंट को मैं कहूंगा डायरेक्ट करंट. वो करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा वो क्या होगा, वो डायरेक्ट करंट होगा. अब यहां देखो, इसमें इस करंट को देखो, द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग बट द डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग. तो दिस इज ऑल्सो अ डीसी, ये भी डायरेक्ट करंट है. ओवर हियर द करंट इज नेगेटिव एंड इट्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव, मतलब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में आपके पास चेंज, बल्कि मैग्नीट्यूड को भी छोड़े आप, क्या ये नेगेटिव है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी डीसी है. ठीक है, तो एसी और डीसी का बेसिक डिफरेंस क्या समझ में आता है, एसी और डीसी का बेसिक डिफरेंस आपको ये समझ में आता है, इफ द करंट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इट्स डायरेक्ट डीसी करंट, इफ द करंट इज ऑल्टरिंग इट्स डायरेक्शन इट्स ऑल्टरनेटिंग करंट, वो ऑल्टरनेटिंग करंट बन जाएगा. अगर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो वो कौन सा करंट बनेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट बनेगा. ठीक है, ये बात आई होप आप लोगों को याद रहेगी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि अब आप लोग डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. किसी के जहन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दें. ठीक है, तो बेटा ऑल्टरनेटिंग जो करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट इज
जनरेटर, और सी जो है दैट कैन बी इजी, आप इसको कहें कि बैटरी एंड सेल्स डीसी कहां से आएगा, बैटरी या सेल से, और एसी कहां से आएगा, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से। तो कोई प्रॉब्लम बेटा है तो प्लीज मुझे बताइए। अब हम करंट को डिफाइन कर चुके हैं, अब हम बेटा आपको ये हमारे पास इन तीनों में से आप लोग ये बनाइएगा, अगर वो आपको बनाने हो गए ठीक है, आप ये सोचेंगे कांस्टेंट है, रियल लाइफ में यूं होता है, लेकिन आइडियली आप ये बनाइएगा ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा था, यस सर्किट डायग्राम, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेरे पास ये मेरे पास जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये एक सर्किट डायग्राम है, इसमें ये सेल या बैटरी जो भी आप उसको कहें, वैसे सेल है, ये बल्ब आ गया, ये फिक्स्ड रेजिस्टर, ये स्विच है, और ये जो लाइंस बनी हुई है ये वायर्स हैं ठीक है। सर्किट डायग्राम क्या करती है, सर्किट डायग्राम हमें ये इंफॉर्मेशन देगी, इफ दिस सर्किट इस को क्लोज कर दें तो करंट, तो अ डायग्राम विच शोज पाथ, करंट किस पाथ पे कंडक्ट होगा, वो जो डायग्राम जिस पे हम ये रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो सर्किट डायग्राम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपको याद भी होने चाहिए, आपके एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चंस तो आपको आने चाहिए। तो ये जो सिंबल आपको पहला पहला नजर आ रहा है, दिस इज पावर सप्लाई, ये आपके पास बैटरी का इस तरह से या इस तरह से सिंबल होता है ठीक है। अगर आप सेल को देखें जो मैंने अभी बनाया था, मैंने कहा था ना ये सेल है, ये इस तरह से ये सेल है, ये पावर सप्लाई है और ये बैटरी है। उसके बाद ये टू वे स्विच है, टू वे स्विच घर में ऐसी जगह जैसे स्टेयर केस होता है तो ऐसे बटन्स होते हैं, ऐसी लाइट्स होती हैं जो नीचे से भी ऑन हो जाए और स्टेयर केस से ऊपर से भी ऑन हो जाए, एक ही मतलब लाइट दो डिफरेंट स्विचेस दो डिफरेंट प्लेसेस से ऑन हो जाती है, उसको टू वे स्विच कहते हैं। तो ये टू वे स्विच है, ये घर में नॉर्मली जो हम यूज करते हैं स्विच जो हम ऑन और ऑफ कर रहे, उसको फिजिक्स में ओपन और क्लोज करना कहते हैं, ये स्विच इस वक्त ओपन है ठीक है। उसके बाद ये बल्ब का सिंबल है, ये आपके पास बेल है, इलेक्ट्रिक बेल, ये आपके पास फ्यूज बना हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर दूं, ये इस तरह से होगा ठीक है। ये आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर है, जैसे आप पंखे की स्पीड डिमर से कम या ज्यादा करते हैं वो वेरिएबल रेजिस्टर
रेजिस्टर है, ठीक है, ये फिक्स रेजिस्टर है, ये पोटेंशियोमीटर है, ये भी रियोस्टेट ही है, एक ही चीज है, ये थर्मिस्टर है, टेम्परेचर सेंसर, ये LDR है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ये डायोड्स हैं, एमीटर, गैल्वानोमीटर, वायर का जंक्शन है, कॉइल्स हैं, ट्रांसफार्मर, ये वक्त के साथ साथ आपको याद हो जाएंगे, इनको लेकर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये आप जैसे जैसे सर्किट सॉल्व करेंगे आपको ये चीजें याद होती जाएंगी। तो किसी भी सर्किट डायग्राम को जब बनाते हैं तो उसके सर्किट कंपोनेंट्स को उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये आपके पास इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इस सर्किट को देखें, ये क्लोज सर्किट है, ठीक है, ये क्लोज सर्किट है, ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, अलाउ किया जाता है करंट को फ्लो करे, यानी ये स्विच क्लोज है, इसलिए इसको क्लोज सर्किट कहेंगे। ये आपके पास सर्किट ओपन है क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये स्विच ओपन है। जब आपके पास स्विच ओपन होगा तो ओपन सर्किट बनेगा, और जब आपके पास ये स्विच क्लोज होगा तो ये क्लोज सर्किट बनेगा, ठीक है। अच्छा, कल मैं उसमें भी बता रहा था आपको, अपनी प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी क्लास में, लाइव और न्यूट्रल वायर्स का आपस में कनेक्ट हो जाना शॉर्ट सर्किट बनाता है, तो इस पे हम बात कर चुके हैं, मैं बाद में लेटर ऑन बात करूंगा। अभी फिलहाल तो मैं इस मीटर की तरफ आना चाह रहा हूँ, ये आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एम मीटर, और इसके ऊपर ये कैलिब्रेशंस हुई हुई है, आपको नजर आ रही होंगी, 0 से 1 एम्पियर है, इसको मैं और जूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा कोई मुझे इसका प्रिसीजन बता सकता है? तो प्रिसीजन का मतलब याद है बेटा? जी, वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन। तो अगर आप इसका प्रिसीजन कैलकुलेट करना चाहें तो यहां से यहां तक कितनी लाइंस हैं छोटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेटा 0.2 upon 10 यू गेट 0.02 एम्पियर, यानी जो ये वन, अगर ये निडल यहां से यहां पर आ जाए तो ये 0.2 एम्पियर करंट होगा, ठीक है, सही है बेटा, ये समझ आए? तो 10 डिविजन्स थी। अब मैं निडल शो कर, अब ये आप नजर आ रहा होगा डिस्प्ले पे, तो ड्रॉ ये निडल अब यहां पे, आपको रीड करके मुझे बताएं इसकी रीडिंग कितनी आ रही है डिस्प्ले पे। बेटा ये आपके पास 1 डिवीजन 0.02 के इक्वल है, बहुत सारे तरीके हैं, पहले तो देखो 1 2 3 4, ये 5, फिफ्थ डिवीजन 0.1 लिए, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये फिर नेक्स्ट 5 डिवीजन में 0.2 आ गया, यानी 0.1 ऐड होता जा रहा है, 1 2 3 4 5, ये आ गया 0.3, तो ये हो गया 0.3। अब इसके आगे कितनी डिवीजन है बेटा, दिस इज 1 2 एंड 3, तो 3 into 0.02 यू गेट 0.06, तो 0.3 में आपने, सॉरी ये नजर नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे तरीके हैं बेटा, आप 0.3 में प्लस कर दें 0.06, यू गेट 0.36 एम्पियर करंट, जी 0.36, ऐसा बेटा ATP में आएगा, आपके पास डिस्प्ले होगा, आपको मीटर्स को रीड करना होगा, तो मेरा ख्याल है सबको रीड करना आ गया है, इसमें मेरे पास आंसर्स आए हैं, बच्चों ने आंसर किए हैं, तो ऐसा ATP में होगा बेटा, आपको रीड करना आना चाहिए,
ये एमीटर है, और एमीटर किस लिए यूज होता है? टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। और एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है। कोई मसला है इसमें भाई? किसी के जहन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। अब बेटा हम यहाँ पर एक मॉडल डिजाइन कर रहे हैं, बेटा इफ द करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ओवर हेयर, इट्स पॉजिटिव एंड इट्स नेगेटिव, देन इट्स पॉजिटिव, देन इट्स नेगेटिव, ओवर हेयर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। इफ द करंट इज कंटिन्यूअसली स्विचिंग इट्स डायरेक्शन, देन दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग वर्ड कम्स फ्रॉम द डायरेक्शन इज ऑल्टरिंग। जब वो डायरेक्शन ऑल्टर कर रहा है तो दैट मींस जो है वो आपके ऑल्टरनेटिंग जो डायरेक्शन है डीसी करंट, ठीक है। अब बेटा ये दो पैडल व्हील्स हैं, बेटा ये डायरेक्शन इसलिए चेंज होता है कि एसी जनरेटर की जो कॉइल होती है वो अपने वो फ्लिप करके अपनी पोजीशन चेंज करती है, इसलिए डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कॉइल एसी जनरेटर में जनरेट होगा ना ये, तो कॉइल अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी, उस पोजीशन के चेंज होने से ये होता है। ये अभी बहुत जल्द आप लोग क्लास में जनरेटर में पढ़ेंगे। तो बेटा इस ये पैडल व्हील जो है, दिस इज पैडल व्हील नंबर वन, तो ये दिस इज पैडल व्हील नंबर टू, ठीक है। तो इस पैडल व्हील को हम रोटेट कर रहे हैं, जब हम रोटेट करते हैं तो इस पैडल व्हील के ये जो टीथ हैं ये इन बॉल्स पे फोर्स लगा रहे हैं। That means this pedal wheel is doing work on the balls. ये इन balls के ऊपर work कर रहा है और इनको push कर रहा है, इन पे force लगा रहा है, ये इस पे force लग रही है, ये इसको push कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो pedal wheel है, this pedal wheel provides energy to balls. यानी यहां पर ये पैडल व्हील वर्क डन कर रहा है इनके ऊपर, इनको एनर्जी दे रहा है, तो जिसकी वजह से ये बॉल्स यहाँ से मूव करना शुरू कर देती है। बॉल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो मूव करने लग जाती है। जब ये बॉल्स यहाँ से मूव करती हुई आती है तो जो पैडल व्हील नंबर टू क्रॉस करती है के ये टीथ को करती है, इसको रोटे चले हैं। इस पैडल व्हील ने जो बॉल पुश कर दिया ताकि ये मूव करके एनर्जी गेन करके ये यहाँ उस सजाएगा। ये बॉल्स किसको दे रही हैं? ये पैडल व्हील को देती हुई आगे जा रही हैं। तो ओवर है यहाँ बॉल्स ने एनर्जी गेन की
है और यहाँ पर एनर्जी डिलीवर की, ठीक है, एनर्जी दी है, दूसरी जगह पैडल व्हील वो एनर्जी ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप ये बात समझ में आने वाली है, आसान बात है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ये एक सर्किट ड्रॉ करूं और मैं आपको ये कहूं कि ये बल्ब इस वक्त लाइट दे रहा है, ये बल्ब ऑन है और इसमें से लाइट निकल रही है, लाइट आ रही है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बल्ब के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है इसको सोचते हैं। ये हमारे पास बैटरी है, सेल है, स्टोर है, इसके पास जो एनर्जी स्टोर है, ठीक है, और इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर, नॉट इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर्स जो है, डिलीवरी बॉयज, इसका नाम हमने रखा हुआ था मिस्टर कूलम, ये चार्ज एनर्जी ले रहा है, ये चार्ज मूव करता हुआ आएगा और यहां से क्रॉस करता हुआ यहां जाएगा। तो जैसे सिमिलर ये पेडल व्हील था, बिल्कुल ऐसे ही जरा इसको देखें, यहां पर ये बॉल्स हैं, यहां पर ये चार्जेस हैं, मिस्टर कूलम है, तो द बैटरी द सेल विल प्रोवाइड एनर्जी टू मिस्टर कूलम, मिस्टर कूलम्स को ये यानी चार्ज को एनर्जी मिलेगी और वो ये एनर्जी लेकर यहाँ से रवाना होंगे और वो एनर्जी यहाँ पर इस बल्ब को देंगे और यहाँ से फिर आगे चले जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिस्टर कूलम को कौन सी फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, तो बैटरी की नॉर्मल कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ पर अगर आप सोचे तो हमारे पास यहाँ से इस बैटरी से इस से चार्ज एनर्जी कैरी की एनर्जी और यहाँ से मूव कि अगर ये डिलीवरी बॉय, ये जो चार्ज आपके बॉयज, तो ये जो चार्ज है ये एनर्जी को यानी पिज्जा को एनर्जी यहाँ पे इसको मिलेगी, इसने पिज्जा यहाँ से कलेक्ट किया और पिज्जा कलेक्ट करके यानी एनर्जी कलेक्ट करके इधर इसने डिलीवरी दी और यहाँ से वापस यहाँ चला गया। तो ओवर हेयर यहाँ पर चार्ज एनर्जी गेन कर रहा है, यहाँ पर चार्ज एनर्जी लूज कर रहा है। तो जहां पर चार्ज एनर्जी गेन कर रहा है वो हमारी बैटरी है और जहां पर चार्ज एनर्जी लूज कर रहा है वो हमारे पास जो है वो हमारा अप्लाइंस है। ठीक है, ये हमारे पास जो अब आवाज सही आ रही है भाई हसनैन? ठीक है, तो ये हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है बेटा, तो दोबारा से सोचते हैं, इनकी आवाज लैग कर रही थी। ये हमारे पास पिज्जा शॉप से राइट देंगे और पिज्जा कलेक्ट करके ये यहाँ से मूव करता है यहाँ आएगा, इस जगह उसने पिज्जा को डिलीवर किया। ठीक है, तो ये जो उसका पिज्जा गेन करना है ये कहलाता है EMF। अगर आप इसको सर्किट से इसको करें तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
ठीक है, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ मैंने कैसे सिखाया, क्या सिखा आपने, चार्ज का एनर्जी गेन करना, ये ईएमएफ है, और चार्ज का एनर्जी डिलीवर करना, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पीडी या पोटेंशियल डिफरेंस और पीडी और वोल्टेज सब एक ही चीज है। तो ये क्या चीज होगी, दिस इज द एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज। इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल बेटा वी होगा, और इसका एसआई यूनिट भी वोल्ट होगा, वी से रिप्रेजेंट होगा। तो किसी भी सर्किट में जब आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर बेसिक बेटा दो टर्म्स आती है। देखिए सर्किट में एनर्जी कहाँ से आ जाती है, जो अप्लायंसेस को मिलने लगती है, तो वो हमें सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करती है। और जो बेटा ये जो यहाँ पर अगर आप इसको सर्किट से एनालॉगस करें, तो ये आपके पास जो बॉल्स हैं, हर बॉल 1 कूलम के इक्वल है, ठीक है, हर बॉल 1 कूलम के इक्वल है बेटा। हर बॉल 1 कूलम के इक्वल है, इसको आप यूं सोचें, हर एक बॉल आपका डिलीवरी बॉय। आप सोचें कि ये बैटरी है, बैटरी इज गिविंग एनर्जी, 1 कूलम चार्ज गेन्स एनर्जी फ्रॉम द बैटरी, और 1 कूलम चार्ज यहां से आया मूव करता हुआ, इट डिलीवर्स एनर्जी ओवर हेयर और फिर आगे चला गया। एनर्जी का गेन करना ईएमएफ है, और एनर्जी का लॉस्ट करना, डिलीवर करना पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों चीजें डिफरेंट है बेटा, सेम नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है, दोनों चीजें डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। एनर्जी का गेन करना ईएमएफ है, एनर्जी का लूज करना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ जो कैम्ब्रिज में लिखनी है आपने। ईएमएफ को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी या वर्क डन ऑन द चार्ज, ठीक है बेटा। तो ये जरा बेहतर है, इसमें सारे कीवर्ड आ गए असल में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव थ्रू द सर्किट, इसको यू भी कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव थ्रू द सर्किट, यू भी कह सकते हैं, ये लिख देता हूं मैं आपको। याद रखिएगा चार्ज जब भी एनर्जी गेन करेगा तो सर्किट में ड्राइव करेगा, ये कीवर्ड है इसका। इसको एक और अंदाज से भी हम चलो लिख लेते हैं, एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव थ्रू सर्किट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू एनर्जी यूनिट चार्ज वर्क डन यूनिट चार्ज। और अगर मैं आपको बोलूं यार इसका यूनिट तो सोचो कि वर्क डन जूल्स, और कूलम का यूनिट होता है, सॉरी क्यू का यूनिट यानी चार्ज का यूनिट कूलम्स है, तो जूल्स पर कूलम किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल होता है। जूल्स पर कूलम किसके इक्वल होगा, वोल्ट के। इसका एसआई यूनिट वोल्ट है, साइंटिस्ट के नेम पे उसको ऑनर किया गया, तो जूल्स पर कूलम को खत्म करके वोल्ट किया गया। तो ईएमएफ क्या होती है बेटा, ईएमएफ इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव थ्रू द सर्किट, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव थ्रू द सर्किट, या एनर्जी गेन्ड पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव थ्रू द सर्किट, बात एक ही है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे फिर डिफाइन करेंगे, अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अब डिफाइन होगा बेटा इस तरह से कि
कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव थ्रू एन अप्लायंस, एन अप्लायंस या रजिस्टर कर लेते, चले आप लोगों को याद हो जाएगा, इस किसी भी रजिस्टर से पास करने के लिए जो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। इसको वर्क डन की टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे, इसको वर्क डन की टर्म्स में डिफाइन करेंगे कन्वर्जन ऑफ, नहीं कन्वर्जन नहीं सॉरी, कन्वर्जन की टर्म्स में वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव थ्रू द रेजिस्टर और अप्लायंस, एनर्जी लॉस्ट या डिलीवर्ड, लॉस्ट इज मोर लॉजिकल, पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव थ्रू द रेजिस्टर। तो बेटा दोबारा से इसको इस जगह पे सोचें, जब बैटरी एनर्जी देगी ताकि चार्ज सर्किट में ड्राइव कर सके वो है ईएमएफ, जब चार्ज अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अप्लायंस को देगा ताकि वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। देखें बेटा घर में आप अपने सराउंडिंग में सारी अप्लायंसेस देखें तो हर अप्लायंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो वो जो चार्ज की एनर्जी लॉस्ट हो रही है वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। ये लॉस्ट का वर्ड जो या डिलीवर्ड का वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो इसीलिए है कि बल्ब के पास आपका जो बल्ब है वो क्या दे रहा है, आपको लाइट एनर्जी दे रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होना दैट इज एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज, चार्ज की एनर्जी जो लूज हो रही है जो उसने वहां लूज कर दी, ठीक है, वो बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप इसको सोचे, आपके पास ये है वी इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट चार्ज। तो अगेन अगर मैं आपको बोलूं बेटा इसके यूनिट्स को जरा थोड़ी देर के लिए वर्कआउट करो, तो एनर्जी लॉस्ट का, एनर्जी का यूनिट जूल्स है और चार्ज का यूनिट कूलम्स है, तो जूल्स पर कूलम किसके इक्वल होगा बेटा, वोल्ट के इक्वल होगा वी, तो जूल्स पर कूलम वोल्ट वी के इक्वल होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज द एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज। सीआईईज के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, सीआईईज के लिए आपने जो याद करनी है डेफिनेशन वो आपके पास डेफिनेशन जो है वो ये होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल कंप्लीट डेफिनेशन है ये आपने याद करनी है, ठीक है। यहां पर भी आपने ये वाली डेफिनेशन याद करनी है। तो अब दोनों आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं, तो अब मुझे देखें, हम एक एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज या नॉन इलेक्ट्रिक, देखिए बैटरी के पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जनरेटर के पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कोई भी विंड टर्बाइन है तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कोई भी सोर्स सोचे आप तो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव थ्रू द सर्किट, वो होगी ईएमएफ, और जो पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द डिफरेंस, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपने ये कहना है कि ईएमएफ इन ई फॉर ईएमएफ चार्ज गेन्स एनर्जी एंड इन पोटेंशियल डिफरेंस जो है चार्ज लूजेस एनर्जी। किसी भी बैटरी पे जो 12 वोल्ट या 10 वोल्ट लिखे हुए वो उसकी ईएमएफ होती है, किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस, यहां पर जो अप्लायंस है इस अप्लायंस के अक्रॉस फर्ज करते हैं यहां पर ये मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं तो ये वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बताएगा, और अगर यही वोल्ट मीटर मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ बैटरी के अक्रॉस
तो ये मुझे ईएमएफ बताएगा बैटरी की। अप्लायंस के अक्रॉस हमेशा पीडी होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और बैटरी के अक्रॉस आपको ईएमएफ बताएगा। ठीक है, तो किसी भी बैटरी में जो, जैसे फर्ज करते हैं मैं आपको ये कहूं कि यार एक बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका ईएमएफ 12 वोल्ट है। इसका मतलब है, वोल्ट का मतलब अभी मैंने क्या बताया था बेटा, जूल्स पर कूलम। तो 12 वोल्ट का मतलब है 12 जूल्स पर 1 कूलम, यानी ये बैटरी हर 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देगी, 12 जूल्स की। ईच 1 कूलम चार्ज कैरीज 12 जूल्स एनर्जी। ठीक है, और अगर मैं आपको ये कहूं कि यार पीडी जो है दैट इज सपोज दैट 10 वोल्ट, तो दैट इज 10 जूल्स पर 1 कूलम। तो इसका मतलब यह है कि चार्ज जब उस रेजिस्टर में से पास होगा तो वो 10 जूल्स की एनर्जी जो है वो लूज करेगा या वहां पे डिलीवर करेगा, यानी 10 पिज्जा वो वहां पे डिलीवर करेगा। ठीक है, 1 कूलम चार्ज 10 जूल्स की एनर्जी वहां लूज कर रहा है। पीडी का मतलब किसी रेजिस्टर को वो जो एनर्जी दे रहा है। ईएमएफ का मतलब बैटरी से, जनरेटर से, किसी भी चीज से, जो भी सोर्स है उससे वो कितनी एनर्जी गेन कर रहा है। तो फर्ज करते हैं 220 वोल्ट का जनरेटर है, तो ये हमें 220 जूल्स की एनर्जी देगा फॉर ईच 1 कूलम चार्ज। ठीक है, एनी क्वेरी इसमें समझ में आया बात? तो डिफरेंस क्या हुआ, एक में बेटा इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल बन रही है दैट इज पीडी, और अगर नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल होगी तो दिस इज ईएमएफ। अगर डिफरेंस पूछे तो आपने हमेशा यही लिखना है, सबसे पहला ईएमएफ में नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, पीडी में इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल, उसका उलट होगा। ठीक है, सिमिलैरिटी पूछे तो आपने क्या कहना है, देव गॉट सेम यूनिट्स, वोल्ट इनके सेम यूनिट्स हैं। तो आई होप मेरी ये बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दे, क्योंकि मैं क्लास यहीं एंड कर रहा हूँ पीडी और ईएमएफ पे।